हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के लेसन प्लान की सीरीज़ का अगला लेसन प्लान है, यानी कि लेसन प्लान नंबर 4। अभी तक हम इसके 3 लेसन प्लान बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस लेसन प्लान देखना चाहते हैं और आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ से आप फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट खोलिए और आप पिछले 3 वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्रमांक डालेंगे पाठ्य योजना का, उसके बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें कि हमको छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, जिसमें आप सभी को अपना नाम लिखना है, फिर विद्यालय का नाम यानी कि जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है। विषय है हमारा विज्ञान है, कक्षा हमारी 7वीं यानी 7th का प्रकरण है और उपविषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण है हमारा विद्युत धारा के प्रभाव। दिनांक जिस भी दिनांक को आप इसका प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं, समय 35 या 40 मिनट जितने का भी आपका पीरियड का टाइम होगा वो। सामान्य उद्देश्य, हमारे सभी सामान्य उद्देश्य भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के एक समान होंगे, इसलिए हमने यह पूर्व अनुसार लिखा है। आप इसे वीडियो क्रमांक 1 में से देखकर लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमने 5 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं। आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएँ प्रयोग द्वारा विद्युत धारा के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकेंगे। विद्यार्थी स्वयं अपने हाथ से विद्युत धारा के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रदर्शन देखकर विषय के प्रति रुचि प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रयोग के प्रदर्शन देखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। मैं हर वीडियो में आपको कुछ टिप देती हूँ, कुछ अलग बात बताती हूँ जब लेसन प्लान समझाती हूँ, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, हर वीडियो में कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट सहायक सामग्री, जिसमें कि हम जो भी मटेरियल सहायता के रूप में अपने प्रेजेंटेशन को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे चालक तार, विद्युत सेल, पूंजी बल्ब, चुंबक, कांच का बर्तन, रबड़ की काक, कार्बन की छड़, जल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि, ये सब हम सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि, जिसमें आप प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेंगे। हमारी पूरी पाठ्य योजना जो फिजिकल साइंस की है, हमने जो पिछली 3 भी बनाई है और ये भी है, सारी प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि पर ही आधारित है। यानी हम प्रश्न पूछ कर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को उनके नए ज्ञान से कनेक्ट कर उन्हें आगे वाला ज्ञान देंगे। प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही बातों बातों में हम उन्हें सिखा देंगे। आप जब इसका आगे प्रेजेंटेशन देखेंगे और आप जब स्वयं इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और उनकी जो एक्टिविटी रहती है वो भी बहुत रहती है। इसको हम छात्र केंद्रित पाठ्य योजना भी कह सकते हैं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को बिजली विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना, जिसमें क्रमांक, छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार हम कॉलम बनाएंगे। प्रस्तावना के प्रश्न हमारे पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होंगे। यहाँ हम उनसे प्रश्न करेंगे कि बिजली के स्विच में लगे तार को छू लेने पर क्या होता है, तो बताएंगे करंट आ जाता है या लगता है। करंट क्यों आता है, तो बच्चे बताएंगे कि बिजली के चलने से करंट आता है। फिर बिजली के स्विच से हीटर या प्रेस का तार जोड़ने पर क्या होता है, हीटर या प्रेस गर्म हो जाती। इसी प्रकार बिजली के कौन कौन से प्रभाव हैं, तो ये कुछ एक आध आंसर आपको मिल सकता है। बाकी ये होगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन, जिसके माध्यम से हम बच्चों से कहेंगे कि आज हम विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे। इसमें सबसे पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम उन्हें बच्चों से प्रश्न करेंगे कि चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है, तो वे बताएंगे वह अपने लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है।
या बच्चे अपनी भाषा में भी बोलेंगे कि उसमें लोहा चिपकने चिपक जाती है। चुंबक में कौन से ध्रुव होते हैं तो ये उनको पता है तो वो बताएंगे उत्तरी और दक्षिणी। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक में उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है तो वो बताएंगे कि उत्तर की दिशा में होता है। चुंबकीय तत्व किस चीज़ का प्रभाव है तो विद्युत धारा का प्रभाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की तरह इसमें भी आवेश होता है। फिर विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं तो चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये बच्चे इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ये पिछले चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है या पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा है। फिर विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं तो ये उन्हें नहीं पता, यही हमें उन्हें सिखाना है। तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम बच्चों से छात्र कथन के माध्यम से कहेंगे कि किसी चुंबकीय सुई या किसी छड़ चुंबक के एन व एस किसी भी अवस्था में हो, यदि हम विद्युत धारा बैटरी कुंजी व चालक तार की सहायता से चुंबक के चारों तरफ प्रभावित करें तो हम देखेंगे कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की दिशा बदल जाती है। तो हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे इससे क्या सिद्ध हुआ, तो वो बताएंगे कि इससे सिद्ध हुआ कि चुंबकत्व को विद्युत धारा के प्रभाव से बदला जा सकता है। उपयोगिता के आधार पर विद्युत चुंबक के कौन कौन से गुण हैं तो ये नहीं पता है उन्हें। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उन्हें कथन के माध्यम से समझाएंगे कि उपयोगिता के आधार पर नाल चुंबक, छड़ चुंबक आदि के रूप में बनाया जाता है। फिर हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पता पढ़ाएंगे उनको। तो फिर हम उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही अपने जो टॉपिक है उस पर पहुँचेंगे कि हीटर व प्रेस किस प्रकार गर्म होते हैं तो बताएंगे स्विच से, तार लगाने से, स्विच ऑन करने से, जैसा भी वो उत्तर देंगे। फिर स्विच में ही तार क्यों लगाने पर हीटर क्यों गर्म होता है तो बताएंगे क्योंकि स्विच में तार लगाने पर विद्युत धारा करंट प्रभावित होने लगती है। फिर यदि स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, हीटर गर्म नहीं होगा या गर्म हो चुका है तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। गर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का संबंध टूट जाएगा। फिर हीटर व प्रेस का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है तो ऊष्मीय प्रभाव है, बच्चे आंसर देंगे। फिर हम अगला शिक्षण बिंदु विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ाएंगे। शिक्षक यानी छात्र अध्यापक उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि जल विद्युत अपघटन से संबंधित प्रयोग मेज पर रखकर प्रदर्शन करके और चार्ट के माध्यम से निम्न प्रश्न करेंगे। यानी कि हमने मेंशन किया है कि जो भी हम चार्ट और आवश्यक सामग्री है उसको प्रदर्शित करके बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे ये क्या है तो बताएंगे कांच का बर्तन। इसमें तरल पदार्थ क्या है तो जल है। इसमें नीचे क्या लगा है तो रबड़ लगा है, रबड़ की कार्क लगी है। कार्क में कितने छेद हैं तो वो देख के बताएंगे कि दो छेद हैं। इन छिद्रों में दो तांबे के तार का संबंध किससे है तो बताएंगे छड़ों से। फिर बर्तन के बाहर तारों का संबंध किससे है तो तांबे के तारों का संबंध दो कार्बन की छड़ों से है। हम यानी उन्हें दिखाते जा रहे हैं और प्रश्न करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम निम्न और प्रश्न करेंगे। फिर कथन के माध्यम से हम उन्हें बताएंगे कि कार्बन की छड़ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। फिर हम उन्हें और भी प्रश्न पूछेंगे। इसी तरह हम उन्हें प्रश्न के माध्यम से ही उन्हें आगे के कथन पर पहुंचाएंगे कि पूर्व प्रयोग में विद्युत धारा कुंजी को दबाकर प्रभावित करने पर जल अपघटन की क्रिया हुई। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस अलग अलग होकर अलग अलग परक नली में एकत्रित हो गई। इस प्रकार हम उनसे पूछेंगे कि इस उपकरण का क्या नाम है तो ये समस्यात्मक है। तब हम उन्हें बताएंगे कि इस उपकरण का नाम जल वोल्टमीटर है। इस तरीके से हम और भी उन्हें आगे का कथन एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से जो हमने चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे चित्र की पिक ऐड कर दी है जिसमें यहाँ पे जो छड़ हैं ये सब हैं, आप इस तरीके से चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं और यही सब प्रायोगिक सामान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये छड़, नाल चुंबक, दिक्सूचक, ये सारी चीज़ें भी आपको इस्तेमाल करनी होंगी जब आप ये प्रेजेंटेशन करेंगे। आप इनका चार्ट भी ले जा सकते हैं और प्रैक्टिकली तौर पर आपको दिखाने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से आप
ये वाला प्रयोग भी उनको कराकर बताएंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार हुआ। और यदि नहीं करा पा रहे हैं, आपके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, तो चार्ट के माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन करें। वैसे तो आपको, जब आप ये फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये सारी आवश्यक सामग्री का इस्तेमाल करके ही आप बच्चों को एक्सप्लेन करवा पाएंगे। फिर श्यामपटकार यानी कुछ भी आप, जो भी आप श्यामपट पर बिंदु एक्सप्लेन किया है, कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर लिख दें। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने पाठ को पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, तो आप बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। यहाँ पे हमने 2 पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। फिर कक्षा कार्य, यानी जब आप उनका पिछले दिन का होमवर्क चेक कर रहे हैं, तब आप उन्हें व्यस्त रखने के लिए उन्हें कक्षा कार्य देंगे। फिर कक्षा कार्य के बाद आता है गृह कार्य, यानी अगले दिन के लिए होमवर्क। उसके बाद आता है टिप्पणी, इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका लेसन प्लान कैसा था, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और सजेशन। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। धन्यवाद।